बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए, कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए, आँख तोरा फूटे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए, बाट जे पूछे ले बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, आँख तोरा फूटे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए, कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए, होई ना बलम जे कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बाट जे पूछे ले बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, आँख तोरा फूटे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है यादें या तो रख खैर उनका हरदम,
आती है यादें या तो रख खैर उनका हरदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। मावला क्लासेस का जो इमेज बना हुआ है, हमेशा मावला क्लासेस के बारे में बोला जाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फुली फोकस्ड हैं स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए। ज़्यादातर लोग बोलते भी हैं कि बच्चों को बहुत रगड़ते हैं, पर ऐसा कोई भी इंटेंशन हमारा नहीं है। अभी कुछ बच्चों ने कुछ सुनाया, हमेशा हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि बच्चे डायनेमिकली डेवलप हों, बट उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसा कि अभी कुछ छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो वो छुट्टियाँ एक ब्रेक लेके आती हैं। और अभी हमने कल कुछ पेरेंट्स को बुलाया था, उनसे जब डिस्कस कर रहे थे तो पेरेंट्स की और बच्चों की जो कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप हो रहा है, वो अगर आगे बढ़ता जाएगा तो ये सबके लिए घातक है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है कि जो बच्चे छुट्टी में कुछ करना चाहते हैं, मन से कुछ इंजॉय करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स से मैं ये बोलूँगा, हो सकता है कि उनको थोड़ा अकवर लगे, वो सारे एज वाइज मुझसे बड़े हैं। मैं ये मैसेज विद रिस्पेक्ट उन सारे लोगों को कोई हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों का भी एक स्पेस है, उनको कुछ दिन के लिए स्पेस दिया जाए, उनके मन से कुछ वो करना चाहते हैं, वो कुछ फ्री रहना चाहते हैं, तो कुछ दिन के लिए बोला जाए, उनसे बाद में बोला जाए कि फ्री होने के बाद जब आप ब्रेक ही हो जाएगा, दोबारा जब आप खुद काम पर लौटेंगे, पढ़ाई करेंगे तो मन से करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चों में चेंजेस आपको दिखाई पड़ेगा, वो मन से पढ़ाई करेंगे। और बच्चों के लिए भी एक कुछ पेरेंट्स ने एक सजेशन दिया था कि बच्चे जब भी दीपावली या फेस्टिवल पे आते हैं या घर पे आते हैं तो हमेशा मोबाइल में एंगेज रहते हैं। सबसे गलत आदत है कि मोबाइल आपको खाता जा रहा है, एक स्वीट पॉइजन है। आप अगर कोई सिगरेट या कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो कुछ दिखता है, उसको रोका जा सकता है, पर आज की डेट में जो आप अपने अंदर इस टाइप की चीज़ों को पाल रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से जुड़ना और टेक्नोलॉजी को के आदत पड़ जाना, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं आप, या किसी चीज़ को, किसी आइडेंटिटी या किसी आइडियल को आप फॉलो करते हैं, उसके रहन सहन, वो कैसा दिख रहा है, वो लगता है क्योंकि वो प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उनको ऐसा बनाया गया है। आप उन चीज़ों को आप न करके उनकी अच्छी बातों से प्रभावित हों। यूट्यूब पर आप जैसे बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं तो उन सारी चीज़ों को अपने अंदर, उन स्टाइल को अपने अंदर लाने के प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो भी नेचुरली आपके ही तरह हैं, वो थोड़ा अपना एक नया स्टाइल क्रिएट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो मैं उन सारे बच्चों से ये बोलूँगा जो मेरी बात को सुन रहे हैं कि जब भी अपने पेरेंट्स के आसपास हों तो उनकी बात को समझें, सुने और थोड़ा सा टाइम दें। अगर आप एक दूसरे को आपस में टाइम देंगे तो उनके साथ साथ आपको भी अच्छा लगेगा और एक ब्रेक का मतलब समझ में आएगा। तो सारे बच्चों से और सारे पेरेंट्स से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, दो चार दिन जो भी बच्चे अगर अपना मन से इन्जॉय करना चाहते हैं तो वो इन्जॉय करें, उनको करने दें और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो चार पाँच दिन की छुट्टी के बाद वो मेहनत करेंगे। और बच्चे भी जब ब्रेक कर लें तो मन से ब्रेक लें, अगर कोई ऐसी कोई अड़चन आ रही है या उनको लगता है कि मुझे छुट्टियों में मेरे मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और ऐसा स्पेस दिलाने के लिए कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट टाइम जो छुट्टी के बाद जब आएंगे वो, तो बहुत मन से प्रयास करेंगे। ये मेरा मैसेज उन सारे बच्चों के लिए, मैं खुद अपने आप को एक बच्चा मानता हूँ अपनी माँ के लिए, तो मैं खुद इस छुट्टियों पर ऐसे ही अप्लाई करने वाला हूँ। इस बार अपने मन से सारे काम करेंगे, उसके बाद जब लौट के आएंगे तो आपको जो अभी तक जिस तरीके से पढ़ा रहे थे उससे बहुत ही ज़्यादा और मन से पढ़ाने के प्रयास करेंगे, फिर देखते हैं कि हम लोगों को इन रिटर्न कितना अच्छा मिला। थैंक यू। दीपावली और आगे के जो भी फेस्टिवल, छठ पूजा जो मनाते हैं, वो अच्छे से सेलिब्रेट करें और उसके साथ साथ फिर जब वो लौट के आएँ तो फुल एनर्जी के साथ आएँ। थैंक यू।